अकोला रतनलाल प्लांट स्थित KM असगर हुसैन जूनियर कॉलेज में मदीहा सहर मोहम्मद इकराम खान द्वारा नीट परीक्षा 2021 में 580 अंक प्राप्त करने पर मान्यवरों द्वारा किया गया सत्कार। उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष खान मोहम्मद अजहर हुसैन, माजी राज्य मंत्री संस्था सचिव ताबिश अफजाल सर, प्राचार्य इम्तियाज अहमद खान, राना इसरार बाजी, इंचार्ज प्राध्यापक मोहम्मद रफीक के हाथों मदीहा सहर का सत्कार किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुंजा महरीन द्वारा तिलावते कलामे पाक से हुई। संचालन मिर्जा खालिद रजा तथा आभार प्रदर्शन मोहम्मद परवेज अख्तर ने किया। इस अवसर पर मदीहा ने छात्रों को बताया कि किस तरह उन्होंने लॉकडाउन से पैदा होने वाले नुकसानदेह हालात और उर्दू मीडियम की छात्रा होने के बावजूद बगैर किसी कोचिंग के इंटरनेट का सहारा लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया और 580 अंक हासिल किया। मदीहा ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने वालिदैन मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल तथा KM असगर हुसैन जूनियर कॉलेज अकोला को दिया। प्राध्यापक मोहम्मद रफीक ने अपने भाषण में बताया कि मदीहा मुस्लिम समाज तथा उर्दू मीडियम के अलावा वह सभी बच्चों के लिए नमूना है जो उच्च स्तरीय कोचिंग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अजहर हुसैन ने मुसलमानों को शिक्षा के हर क्षेत्र में कदम रखते हुए अपनी कौम और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। मदीहा की इस कामयाबी के बाद सभी ओर उनकी प्रशंसा हो रही है और सत्कार हो रहे हैं। साथ ही युवा पीढ़ी के लिए मदीहा आइकॉन बन गई है। हासिल की है सबसे पहले तो आईएनएन 24 न्यूज़ की तरफ से मदीहा आपका इस्तकबाल है, तामीद है कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट बिना किसी ट्यूशन के की है। ये बताइए किस तरह की आपकी ये अचीवमेंट की, कितनी मेहनत आपने इसमें की है और कितने मार्क्स इसमें आपको मिले, पढ़ाई किस तरह से थी, ये बच्चों को भी आप यहाँ पर सीख दें। अस्सलामुअलैकुम, ये समझा जाता है कि उर्दू मीडियम के बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर उसको क्रैक करने के लिए, लेकिन अगर हम एक सही गाइडलाइन की अपना ले तो हम बहुत आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जो मैंने किया था तो ये था कि मैंने टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लिया था कि जो चीज़ अभी तक हम 12वीं तक उर्दू में पढ़ते आए हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसका उर्दू में क्या उसका मतलब निकलता है बल्कि वो टर्मिनोलॉजी उसकी मीनिंग उसकी वो कैसे इस्तेमाल की जाती है, उन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से पहले समझ लिया था। फिर उसके बाद मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती थी मैं उसे ऑनलाइन सर्च कर लेती थी, आजकल तो बहुत आसानी है हम यूट्यूब से या फिर गूगल से जो भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, हमें उसकी जवाब मिल जाता है और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे कामयाबी अता फरमाई और साथ ही मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने स्कूल का मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल डॉक्टर इकबाल उर्दू प्राइमरी स्कूल का और इस कॉलेज का KM असगर हुसैन का, यहाँ के तमाम साथियों से काम कि आपको क्या सीख मिली है? सर हमको उनके देखकर बहुत अच्छा लगा और उनसे ये सीख मिली, हम आगे भी ऐसी कोशिश करते रहेंगे। ये थे यहाँ के बच्चे उस्मानाबाद के KM असगर हुसैन के, जो कहना चाहते हैं कि हम भी इस बच्ची को देखकर सीख लेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर जो यहाँ के जिम्मेदार है खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब, इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने आज जो इस बच्ची का इस्तकबाल किया है इसके उनका इसमें उद्देश्य क्या था। दो तीन बातें हमको याद रखना पड़ेगी। पहली बात तो ये कि इस लड़की ने किसी भी प्रकार की कोचिंग क्लासेस ली तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी अहम बात आप याद रखिए कि ये दो साल पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरे दुनिया के बहुत खराब गए, स्कूलें बराबर हो नहीं पाई, बच्चों को अपने घरों में स्टडी करना पड़ा, जो भी गाइडेंस है वो उनको लोकली लेना पड़ा क्योंकि स्कूल आ नहीं सकते थे। इन हालात में भी इस बच्ची ने कंसंट्रेट किया, अब इसकी क्रेडिट तो स्कूल को तो जाती ही जाती है, ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनके गार्जियंस को जाती है। जब मुझे मालूम पड़ा कि इकराम साहब ही उनके गार्जियन है तो मुझे बड़ी मज़ेदार बात याद आई कि जिस स्कूल में ये वहाँ पढ़ाते हैं महान में, वो स्कूल भी एक बहुत अच्छी स्कूल मानी जाती है अपने प्राइमरी स्कूल जिला परिषद की, और वहाँ के लोगों को पूरे जिले के लोगों को वहाँ भेजा जाता है देखने के लिए। ये साथ ही साथ हम यहाँ के जो प्रिंसिपल है जनाब ताबिश सर साहब, इनसे भी इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सेक्रेटरी जो यहाँ के सेक्रेटरी है ताबिश सर, इनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे, क्या लगता है आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे मदीहा को लेकर? आप बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, जैसा सर ने बताया है, अजहर हुसैन साहब ने बताया कि इसका जो श्रेय है ये यहाँ के असातिज़ा के साथ साथ सबसे ज़्यादा इनके वालिदैन को जाता है, खासकर मैं वालिद के साथ साथ वालिदा को भी
मुबारकबाद देना चाहूँगा बच्चे की, साथ ही बच्चे के दादा है उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हम ऐसे ही आगे भी प्रोग्राम्स बना सके इसके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ इंशाल्लाह। शुक्रिया। कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ मैं शाहिद इकबाल, आईएनएन 24 न्यूज़, अकोला से।